एग्जाम डिस्कर्न है, मेरे स्कूल का कोड GSR2M10 है। मेरा अज का मॉडल पौधा सैल है, जिस पौधा सैल विच पहला भाग सैल वॉल है। ए सैल वॉल सैलुलोज की बनी होती है। ए पौधा सैल की सुरक्षा करती है और इस नूं सही शेप या आकार दिंदी है। इस पौधा सैल विच दूसरा भाग सैल मैम्ब्रेन है। इस पौधा सैल विच दूसरा भाग सैल मैम्ब्रेन है। यह मसानदार होती है और पौधा सैल विच चोणवे पदार्थों नूं बाहर जान दिंदी है, अंदर बाहर जान दिंदी है। इसका पौधा सैल विच तीसरा भाग सैल द्रव है, जिसनों इंग्लिश विच साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। यह जैली वर्गा होंदा है, यह सैल झिल्ली और केंद्रक विचकार भरिया होंदा है, इस विच कई निकड़े और संघटक अंग होंदे हन, जिवें माइटोकांड्रिया, जिस जो शक्ति का घर भी अखवाउंदा है। अगला, इसका दूसरा भाग एंडोप्लाज्मिक जाल, राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल, जिसनों पंजाबी विच रस्तानी भी कहते हैं। ये आकार विच वड्डी अते एक हुंदी है। इसका अगला भाग प्लास्टिड है। ये हरे रंग का वर्णक हुंदा है, जिसनों क्लोरोफिल कहते हैं। इस विच अगला भाग केंद्रक है, जिसनों इंग्लिश विच न्यूक्लियस कहते हैं। इसनों सैल का CPU भी कहा जाता है। ये सैल पौधा सैल विच मध्य विच हुंदा है। मदा आकार वड्डा होने करके ये एक साइड ते है, एक संघनी बनतर होंदी है, जिसनों न्यूक्लियोलस कहते हैं। इस विच गुणसूत्र हुंदा है, जिसनों जो माता पिता तो गुण संतान तक लैके जाता है। पौधा सैल जंतु सैल नालों वक्रे होंदे हैं, क्योंकि इस विच सैल कंध होंदी है, जो इसनों सुरक्षा प्रदान करती है। इस विच एक वड्डी रस्तानी होंदी है, जबकि जंतु सैल विच कई छोटिया छोटिया रस्तानियां होंदिया हैं। प्लास्टिड नहीं होंदे। पौधा सैल प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। उठा जा। थैंक यू।